सर मुझे जानना है कि आप लोग कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिसके लिए आप लोग के हिसाब से जो है चार्जेस फिक्स किए गए हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे सर्विस आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके लिए आप सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। ओके श्योर सर, मैं आपकी मदद कर देता हूँ सर। देखिए मैं सबसे पहले सर आपके डेबिट कार्ड से शुरू करता हूँ सर। जब आपका स्टैंडर्ड प्लान रहता है, स्टैंडर्ड प्लान में अगर जब आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हो तो डेबिट कार्ड का चार्ज रहता है सर 199 रुपीज प्लस 18% GST। ठीक ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर आप डेबिट कार्ड से 5 बैंक का ATM छोड़ के, मतलब फेडरल बैंक का ATM छोड़ के आप कोई भी ATM यूज करते हो तो हर महीने आपको पहले 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं सर। उसके बाद 6 ट्रांजेक्शन से सर 25 रुपए आपको चार्जेस लगता है सर हर ट्रांजेक्शन का, जिसमें GST इंक्लूडेड है, मतलब 21 रुपए प्लस 18% GST। अच्छा, 6 ट्रांजेक्शन आपको ये चार्ज लगता है। और अगर आप ATM विड्रॉल करते हैं और आपका कार्ड डिक्लाइन होता है तो कार्ड डिक्लाइन का सर आपको 25 रुपीज प्लस 18% GST लगता है। अच्छा ठीक है। और डेबिट कार्ड की अगर आप इंटरनेशनल यूज करते हैं आपका डेबिट कार्ड सर, तो फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो आपको जो भी चार्जेस लगता है वहाँ पे ATM विड्रॉल पे आपको हर ट्रांजेक्शन का 100 रुपीज प्लस 18% GST चार्ज लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ये रहे सर आपके डेबिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन चार्जेस। फिर इसके बाद फॉरेक्स रिलेटेड, तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या फॉरेक्स कार्ड के साथ आपके, मतलब जो ATM कार्ड जो फॉरेक्स कार्ड रहता है वो आप करते हो, तो अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका तो आपको 2.5% हर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस लगता है सर। 2.5% ठीक है आपका। हाँ प्लस अकाउंट है तो 50,000 तक के आपके फॉरेक्स चार्जेस जीरो रहता है और उसके ऊपर आपको 2.5% लगता है। और अगर आपका इनफाइनाइट अकाउंट है तो आपको 0% फॉरेक्स चार्जेस लगता है। अच्छा अच्छा, तो सर ये सारी जो सर्विसेस आप बता रही है तो पहले जीरो बैलेंस अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था जीरो फॉरेक्स चार्जेस। जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए फॉरेक्स चार्जेस, अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो 2.5% हर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको फॉरेक्स चार्ज लगेगा सर। और फिर इसके अगर मैं आपको चेकबुक बताऊँ, आप चेकबुक ऑर्डर करते हो अगर आपका स्टैंडर्ड मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसके ऊपर आपको 100 रुपीज प्लस 18% चार्जेस लगता है सर चेकबुक के लिए। उसके अंदर आपको 10 लीज आती है और वो आपको 10 वर्किंग डेज में आपके लोकेशन पे डिलीवर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये चेकबुक रिलेटेड चार्जेस है सर। और नेक्स्ट चार्जेस अगर जो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोई फाइनेंस EMI वगैरह कराते हो सर कोई भी कंपनी, आप आपका ऐसा अकाउंट किसके ऊपर देते हो, ऑटो मैंडेट के ऊपर। अच्छा अच्छा, अगर इनकेस आपका कोई EMI बाउंस वगैरह हो जाता है या हमें जब रिक्वेस्ट आती है तब आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं रहता है तो आपके जब पहला रिक्वेस्ट आता है, जब पहला बैंक डिक्लाइन करके तो उसके ऊपर 212 रुपये का चार्ज लगता है। और उसके नेक्स्ट टाइम पर अगर आपका कंटिन्यूस ऐसा अकाउंट में बैलेंस नहीं है EMI के डिडक्शन के समय और ऑटोमेटिक के लिए आपने अकाउंट दे रखा है तो तब आपका सर 413 रुपये का चार्ज लगता है सर। अच्छा 413। ओके यस सर, ये चार्जेस है सर जो फाई की तरफ से डिडक्ट होते हैं सर। अच्छा अच्छा, और जीरो मेंटेनेंस अकाउंट है तो आपको जीरो मेंटेनेंस के लिए कोई चार्ज लगता नहीं है सर। अच्छा ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा सर देखिए कितने चार्जेस लगता है सर, अगर हम फेडरल बैंक का ब्रांच अगर विजिट करते हैं बार बार लेन देन करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या कुछ चार्जेस लगता है? ओके देखिए अगर आप कैश डिपोजिशन की बात कर रहे हो सर तो मैं आपको उसका बताना चाहूंगा। अगर आप फेडरल बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कराते हो ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चार्जेस हर बैंक की तरफ से रहता है। अभी जो भी मैंने बताया ये भी हर बैंक की तरफ से रहता है, लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर। अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो उनके पास जाके, तो CDM मशीन में डिपॉजिट कराने के तो कोई चार्जेस नहीं है सर, लेकिन अगर आप वहाँ पे फिजिकली कैश जमा कराते हो फॉर्म भर के, ठीक है ना, तो अगर आप 10,000 के स्लैब में अमाउंट जमा कराओगे 4 बार आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है। अच्छा, अगर उसके ऊपर आप कराते हो 10,000 के ऊपर 4 बार से ज्यादा, या एक बार में आप 10,000 के ऊपर डिपॉजिट कराते हो तो उसके ऊपर सर वो 0.5 रुपीज पर 1,000 या 50 रुपीज उसका सर परफेक्ट चार्ज रहता है। और CDM मशीन FI की तरफ, हाँ CDM मशीन का कोई चार्ज, कोई चार्जेस नहीं लगता ना, कितने बार हम ट्रांजेक्शन करें तो। यस सर, आप CDM मशीन में डिपॉजिट करिए, CDM मशीन का नहीं चार्जेस लगता है। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी सर्विस चार्जेस आप लोग लेते हैं तो बता सकते हैं सर? नहीं सर, देखिए अभी
इतने चार्जेस रहते सर। अब इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं बता सकता हूँ सर। फ्यूल सरचार्जेस के बारे में बता दे सर। फ्यूल सरचार्जेस सर देखिए, अगर आप फ्यूल सरचार्जेस अगर मैं बात करूँ तो ये आपको वीजा की तरफ से लगता है, आपको फाई की तरफ से नहीं लगता है। अच्छा 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 ठीक है। तो अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे आप अपना कार्ड यूज कर रहे हो है ना, या बैलेंस मेंटेनेंस के लिए जब आप अपना मतलब पेट्रोल पंप पे यूज कर रहे हो है ना, ठीक है, या आप मेट्रो में यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका 30 पैसा 40 पैसा जो भी चार्जेस लगता है ये वीजा की तरफ से लिया जाता है सर, फाई की तरफ से नहीं लिया जाता। ओके, तो कितना लिया जाता है कुछ तो आइडिया ऐसा कुछ? 30 पैसा 40 पैसा इस हिसाब से लिया जाता है सर। अच्छा अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं क्या? क्या सर? परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं क्या? परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता है एक्चुअली, वो वीजा के आप वेबसाइट पे जाके सर डिटेल्स चेक कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और एक सर क्या होता है कि अगर मान के चलिए मैं शॉपिंग मॉल पे गया डेबिट कार्ड का यूज करने के लिए, ठीक है, और इन केस अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उस केस में डिक्लाइन जो होता है उसके लिए क्या कुछ चार्जेस लेते हैं आप? मतलब उसके लिए चार्जेस नहीं है, बस एटीएम डिक्लाइन का चार्जेस है। अच्छा अच्छा, एटीएम डिक्लाइन चार्जेस, प्रॉपर डिक्लाइन का कोई चार्जेस नहीं। ओके अच्छा, मतलब कहीं भी पेमेंट्स वगैरह करूं तो फिर उस केस में मतलब नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बस एटीएम डिक्लाइन पे ही पैसा लगता है। अच्छा अच्छा। और मान के चलिए कि एक डेबिट कार्ड मेरा कहीं खो गया फिर गुम हो गया, तो उस केस में अगर मैं दूसरा चाहता हूँ तो मतलब क्या कुछ चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट के लिए? ओके सर, देखिए फाई आपको यहाँ पे सर दूसरे कंपेरेटिव बैंक से यहाँ पे सर फाई एक प्लस पॉइंट में रहता है कि अगर आपका कार्ड गुम गया है वगैरह कुछ डैमेज हो गया है तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट कार्ड हमारी तरफ से फ्री रहता है सर। फ्री? बिल्कुल, ये बात सच है क्या? मतलब मैं यस सर, फर्स्ट रिप्लेसमेंट कार्ड फ्री रहता है आपको फाई की तरफ से। अच्छा, तो एक ऑलरेडी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दूसरा अगर गुम गया या फिर दूसरे कंडीशन में मतलब जब दूसरा मैं लूंगा पहला कार्ड। हाँ सर बताइए बताइए। पहला कार्ड आपको चार्जेबल रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। जब आप फर्स्ट कार्ड लोगे वो चार्जेबल रहता है, अगर वो कार्ड खराब होता है आपको डिलीवर नहीं होता है या गुम जाता है तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट कार्ड हम आपको फ्री देते हैं। अच्छा, मतलब आपका दूसरा कार्ड होगा। ओके अच्छा, वो आपको फ्री में मिलेगा और फिर उसके बाद अगर आप ऑर्डर करते हो कार्ड तो उसके लिए आपको वापस 199 प्लस 18% GST टैक्स लगेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में क्या कुछ सर्विस चार्जेस है? डिमांड ड्राफ्ट फाई नहीं प्रोवाइड करता सर, डिमांड ड्राफ्ट की पॉलिसी नहीं है सर हमारे पास। अच्छा, और इसके अलावा स्टेक चेक पेमेंट के लिए कुछ तो भी चार्जेस हैं ऐसा मैंने सुना है? स्टॉप चेक पेमेंट की अगर मैं आपको चार्जेस की बात करूं सर तो उसके लिए भी सर यूजर और अकाउंट होल्डर विल बी चार्ज फॉर 100 रुपीज प्लस 18% GST सर पर लीफ पर इंस्टेंट चेक स्टॉप सर। मान के चलिए कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए आप फेडरल बैंक स्टेटमेंट? नहीं सर, स्टेटमेंट हम आपको फिजिकल स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करते सर, मतलब पासबुक वगैरह नहीं होता है, आप FI ऐप से उतर ही आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कैंसल चेक भी चाहिए तो कैंसल चेक भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट FI ऐप के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सर आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि ऐसा मैंने देखा है कुछ कस्टमर मेरे निजी दोस्त हैं आपके, तो क्या है कि वो लोग मतलब स्टेटमेंट लिए हुए हैं, फिजिकल स्टेटमेंट आपके तरफ से लिए हुए हैं, आपके पार्टनर बैंक कह सकते हो या फिर कहीं से तो भी लिए हैं? वो साइन पेपर स्टेटमेंट रहता है सर, साइन पेपर स्टेटमेंट में कैसा रहता है उसका चार्जेस रहता है। अगर आप लोगे सर तो 500 से देखिए कैसा रहता है वो, अगर आप साइन पेपर स्टेटमेंट लेते हो तो अगर आप स्टेटमेंट आपके डिलीवर एड्रेस से मंगाना चाहते हो ना सर तो उसका भी चार्जेस रहता है सर। अगर वो 4-5 पेजेस के ऊपर का आपका स्टेटमेंट बनता है तो 500 रुपीज मतलब 100 रुपीज प्लस 18% GST पर पेज लगेगा आपके स्टेटमेंट का। अच्छा अच्छा। और अगर वो 5 पेजेस तक के जाता है तो 500 रुपीज, और 5 पेजेस के ऊपर कितना भी पेजेस गया तो भी 500 रुपीज इतना होगा। अच्छा, बैलेंस सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट रेट सर्टिफिकेट के लिए कौन सा इंटरेस्ट सर? ये सब डिटेल्स ये सब नहीं हम फिजिकली प्रोवाइड कराते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट वगैरह तो प्रोवाइड करवाते होंगे ना सर? वो फिजिकली हमारे तरफ से प्रोवाइड नहीं होता सर, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हो और स्टेटमेंट उसके लिए सर हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो आप लिंक वहीं से सर डाउनलोड करके आप प्रिंट खुद करा सकते हो।
ऐसा है क्या? नहीं है सर, हाँ वो फिजिकली हमारे तरफ से प्रोवाइड नहीं होता है सर। अच्छा, और भी चार्जेस आई थिंक हैं आपके यहाँ पे, आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस ऐसा कुछ तो भी है? कौन से सर? आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस और इनवर्ड रिटर्न चार्जेस, चेक से रिलेटेड है। हाँ, चेक से रिलेटेड है सर। सर दोबारा बताएं कौन से रिटर्न चार्जेस? आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस और इनवर्ड रिटर्न चार्जेस। ओके, आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस में अगर चेक कर लेता हूँ। जी, चेक बाउंस के जो चार्जेस रहते हैं सर वो 100 रुपीज प्लस 18% GST रहता है सर। अच्छा, 100 रुपीज। यस सर, यस सर। ये आउटवर्ड के बारे में बताया आपने सर, आउटवर्ड और इनवर्ड रिटर्न चार्जेस के बारे में आपको जानना है? हाँ। सर, तो उसका सर देखिए एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके मर्चेंट के ऊपर और आपके अमाउंट के ऊपर कि उनका बाउंस चार्जेस कितना है। तो बेसिकली ये रेंज मैं आपको बता सकता हूँ जो 200 से लेके 500 रुपीज के बीच में रहती है सर। इसलिए डिपेंड करता है आपके मर्चेंट का बाउंसिंग चार्ज कितना है और आपका अमाउंट कितना है उसके ऊपर, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 500 रहता है और मिनिमम अमाउंट 200 है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अगर फर्स्ट टाइम रहा तो सर कितना चार्ज लगेगा? अगर पहली बार फर्स्ट टाइम? हाँ सर, वही ना सर, देखिए मैं आपको कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगा उसके लिए, वो डिपेंड करता है सर। अगर आप चेकबुक के लिए पूछ रहे हो, आपके चेक के लिए पूछ रहे हो, तो वो डिपेंड करता है 200 से लेकर 500 के रेंज के बीच में। अगर आप ECS या मैंडेट जो आप ऑटो इंटरनेट के थ्रू रजिस्टर कराते हो ऑटो डिडक्शन के लिए, ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड जेनरिक या आपके अकाउंट जेनरिक से रिलेटेड, तो वो ECS के अगर मैं बताऊँ आपको तो फर्स्ट टाइम रहता है 212 रुपए। अच्छा, ECS और के लिए? अगर हाँ, वो फर्स्ट टाइम 212 रहता है और उसके आगे 413 और वो पर डिडक्शन के ऊपर 400 413 ऐसा डिडक्ट होता है सर। अच्छा, तो ये सब आप लोगों ने आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन करके नहीं रखा हुआ है सर? कहाँ नहीं रखा हुआ है सर? आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं चेक कर रहा था हमारी वेबसाइट के ऊपर। हाँ, तो मैं चेक कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि आप जो बता रहे हैं 400 रुपए करके लगेंगे नेक्स्ट मंथ से, ऐसा कुछ क्या है? इतना सर डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर रखना पॉसिबल नहीं रहता है सर। नहीं सर, जब चार्जेस ले रहे हैं तो इसके बारे में तो मेंशन करना जरूरी है ना, नहीं तो हम क्या कहेंगे कि भाई हिडन चार्जेस? जी, नहीं तो हम क्या कहेंगे, कस्टमर होते हुए हम यही कहेंगे ना सर कि आप लोग हिडन चार्जेस ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात भी बराबर है, मैं इसे एज अ फीडबैक हमारी टीम के साथ शेयर करूंगा सर। जी बिल्कुल शेयर कीजिएगा सर, क्योंकि कस्टमर होने के नाते तो पूछ ही सकता हूँ ना मैं। श्योर सर, श्योर। ओके, तो थोड़ा सा बस डाउट है सर, इनवर्ड और आउटवर्ड चार्जेस के बारे में थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है मुझे, मैं वही सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट पे भी। क्लियरली बता दिया ना सर, इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया सर, जो चेक के लिए आप पूछ रहे हो उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है सर, कम्प्लीटली रेंज के ऊपर है सर, 200 से लेके 500 के रेंज में आपका कटेगा और वो डिपेंड करेगा आपका जो मर्चेंट है जहाँ पे आप चेक डिपॉजिट करा रहे हो, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड है वो कम्प्लीटली कि आपका लोन अमाउंट कितना है और वो लोग कितना डिडक्ट करते हैं। अच्छा सर, यहाँ लेकिन हाँ एक वेट अ सेकंड सर, वेट अ सेकंड, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप लोग ये मेंशन करके रखे हैं इफ द चेक बाउंसेस फर्स्ट टाइम 125 रुपीज, सेकंड टाइम से आप लोग ले रहे हैं 250 रुपीज, और तीन बार या फिर तीन बार से ज्यादा करवा रहे हैं तो इसके लिए 500 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंशन हाँ सर, तो फर्स्ट टाइम के लिए सर 125 है सर, क्योंकि मैं देखिए मेरे सिस्टम पे सर जब मैं चेक करा था तो मुझे रेंज ही वहाँ पे मेंशन की गई है सर। ओके, और इनवर्ड के लिए सर यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है 150 रुपीज। अच्छा, जो हिसाब से कटेगा सर। अच्छा, ओके सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया जो आपने चार्जेस के बारे में बता रहे थे रेंजेस 400 रुपए जो कटेंगे, ये सब जानकारी मेंशन करके रखिए सर, क्योंकि जरूरी है। श्योर सर, वो बिल्कुल रहेगा सर, मैं टीम को बोल देता हूँ सर, वो हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द ऐप के ऊपर अभी इसके सिस्टम के वेबसाइट के ऊपर अपडेट करा दें। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जानकारी दी है हमें। आशा करता हूँ मैं मदद कर पाया।